हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, यहाँ पे बैठे हुए अभी चार हैं। तो यहाँ है सर जितेंद्र चंद्रवंशी, और हैं सर मीनू मीनू कंवर, एंड साथ में प्रदीप राठिया, और मैं विनय राठिया। तो कुछ लाइफ के बारे में बात करना था, तो कुछ बातें करते हैं और आप लोग भी बताते हैं कि क्या क्या लाइफ के बारे में स्ट्रगल होती है, प्रॉब्लम होती है। तो सब बैठ के थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस बात पे। तो सर, सबसे पहले तो है कि इंस्पिरेशन, तो आप लोग बताएं कि क्या इंस्पिरेशन रहा आपका, मतलब किसको मानते हैं जिंदगी इंस्पिरेशन, मानते हैं जिंदगी में जिंदगी में, लाइफ में। मीनू नारायण पहले बताएंगे। यस सर। जी, मेरा इंस्पिरेशन तो उस समय बना था जब मैं प्राइमरी स्कूल में था। प्राइमरी स्कूल में था तो एक बार हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए थे जांच के लिए। तो उनका जो रुतबा देखा, उनका जो रहन सहन देखा, उनका जो गेटअप देखा, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। तो उसी समय से मैंने ठान लिया था कि मुझे पढ़ना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में कुछ बन के दिखाना है। आपका सर? मेरा मेरा ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा है शुरू से, और इंस्पिरेशन मेरा बदलता रहता है। ठीक है, मतलब कोई नए लोग आते रहे तो उनके और आइडियल, एक्चुअल सच बताऊं तो हाँ दूसरों को देख के मेरा इंस्पिरेशन नहीं बनता, मतलब खुद से। क्योंकि हाँ मुझे ना आज मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं उसको सोचता हूँ कि बिना उसके काम चल सकता है क्या। फिर देखता हूँ कि नहीं, बिना उसके काम नहीं चल सकता, तो फिर मेरे लिए इंस्पिरेशन हो जाता है कि इस काम को मेरे को करना है। नहीं, कई बार लगता है ना सर कि जैसे छोटे लोग बहुत हाई लेवल तक गए हैं तो उनको देख के थोड़ा सीखने से। मेरा इंस्पिरेशन है कि संदीप महेश्वरी सर, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो जैसे उनका छोटे लेवल से लेके काम करते हुए बड़े पहुंच गए, तो बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। अभी मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो उनको देख के लगता है चलो कुछ हम लोग भी कर सकते हैं, मतलब लाइफ में हमेशा खाली बैठे रहने से अच्छा तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, वैसा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इंस्पिरेशन मिलता है लोगों से, हाँ लेकिन जब मैं उसके आगे उन लोगों के बारे में, उनके पद के बारे में ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ या डेप्थ में जाता हूँ, तो पता चलता है कि उसी पद में और भी लोग और भी हैं लोग जो हैं, इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। हाँ तो कुल बस। मिलाकर मुझे ये पता चलता है कि एक ही पद में दो तीन तरह के लोग हैं, जिसमें एक बहुत इंस्पायर करता है और और दूसरा बिल्कुल इंस्पायर नहीं मतलब करता। लोग नहीं भी, मतलब मतलब बना ही नहीं रहे, मतलब बता ही नहीं रहे अपने बारे में स्टोरी, मतलब उन्होंने क्या क्या हाँ, स्ट्रगल किया, तो प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंस्पिरेशन आए कहाँ से, मतलब क्या वो पद है जो इंस्पायर कर रहा है, या ये व्यक्ति है जब जो व्यक्ति इंस्पायर कर इंस्पायर रहा कर है, रहे या हैं। वो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो इंस्पायर कर रहा यस है ना। ठीक है कि नहीं, कि सर, भाई कोई एक पद है, हो सकता है वो इंस्पायरिंग पद हो, यस और कोई एक व्यक्ति है वो इंस्पायरिंग व्यक्ति, और व्यक्ति, जब दोनों मिल जाते हैं तब शायद इंस्पिरेशन का स्टोरी बनता होगा, हाँ है कि नहीं। तो हाँ इसलिए कोई व्यक्ति या पद शुरू से मेरे को कोई इंस्पायर नहीं किया, पर सिचुएशन मतलब और लोग हाँ इंस्पायर किए हैं शॉर्ट टर्म पे, करना कि लाइफ में कुछ करना है तो है और ये करना है। मैं तो बहुत डेप्थ में जाके सोचता हूँ कि ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी क्यों है, करनी है। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या। पहले मैं जानता हूँ कि दूसरा ऑप्शन है क्या, अगर नहीं मिलता दूसरा ऑप्शन, लगता है कि ये ऑप्शन ही है, इसके अलावा मुझे यही करना है, कोई दूसरा कर नहीं सकता, तो फिर मैं अकेले उसमें शुरू हो जाता हूँ किसको करते करना है करना है, करना क्योंकि मेरे पास है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और वो करना ही है, मतलब करना ही है कोई तो एक उसमें कुछ मतलब। स्ट्रगल आए सर, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम्स, जैसे बीच में रुकावट थी, मतलब आप कुछ करना चाहते हो और समथिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा? सही बात है, क्वेश्चन तो है कि कोई हाँ, क्योंकि सपोर्ट नहीं करते, जैसे कुछ करना चाहते हो, कुछ नया चीज करना चाहते हो, तो बाकी से घर वालों को नॉलेज नहीं है तो लोग मना ही करेंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में लाइफ। रही बात स्ट्रगल की, तो एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग की नजर में स्ट्रगल क्या है, आप लोग किसको स्ट्रगल कहते हो, पहले तो वो समझेंगे ना कि स्ट्रगल यस, है स्ट्रगल क्या, स्ट्रगल क्या उसके बाद होता है, बताएंगे कि हाँ स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल स्ट्रगल किए किया हैं या अपन, नहीं किया। हाँ तो आप लोग की नजर में क्या है स्ट्रगल, प्रतीक, क्या मानते हैं स्ट्रगल? जब हमें किसी चीज को पाना होता है या किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं या किसी भी चीज के लिए अपन ललायित रहते हैं, तो उसको पाने के लिए हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है, उस प्रयास के दौरान हमारे पास कठिनाई भी आती है, कुछ सहूलियतें भी आती हैं, कुछ सपोर्ट भी आती हैं। तो उन कठिनाई परेशानियों को जूझते हुए जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं या पाने की कोशिश कोशिश करते करते रहते हैं, हैं, वही हमारा संघर्ष है, स्ट्रगल स्ट्रगल है। बोलना चाहिए कि जो हमारी लिमिटेशन है, यस बाउंड्री है, बाउंड्री है, हमारा हाँ जो हमको चीजें रोकती हैं, उसको पार पाना ही मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल क्वेश्चन है, है मतलब ना, वहां से उसको निकलना अपने हाँ कंफर्ट जोन मेहनत से, करके हाँ उसको तोड़ देना, बाउंड्री को तोड़ तोड़ देना, देना, अपनी लिमिट्स को तोड़ देना, वही हाँ स्ट्रगल है ना।
क्योंकि कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं उसी में रहना पसंद करते हैं बहुत लोग, क्योंकि यहाँ से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो लोग कंफर्ट जोन में मतलब घुसे रहते हैं कि हमको यहाँ से जाना ही नहीं है, यहीं में हम लोग खुश हैं तो और क्या मेहनत करना लाइफ में, ऐसे बहुत लोग रहते हैं मुझे। तो मेरे हिसाब से जब आप पूछ रहे हो कि स्ट्रगल कितना किया क्या किया, तो मैं स्ट्रगल को ना दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक होता है खुद से स्ट्रगल, मतलब एक हमारे खुद की बाउंड्री होती है ना, हमारा एक कैपेबिलिटी, हम कितना कर सकते हैं, क्षमता क्षमता है ना, तो एक हमारी क्षमता हमको लिमिट कराती है, तो एक हम लड़ते हैं स्ट्रगल करते हैं खुद का पावर, खुद का क्षमता, खुद का कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो एक एक जो है स्ट्रगल खुद से खुद का रहता है। उसके बाद जब हम स्ट्रगल वो अपना पूरा करते हैं तो उसके बाद हमको स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर, बाहर सोसाइटी से करना पड़ता है, सिस्टम से करना पड़ता है, माहौल से करना पड़ता है, जो ट्रेंड है ना उससे करना पड़ता है। तो ये दो तरह का स्ट्रगल है और शुरू से दोनों स्ट्रगल आते रहे हैं, इसमें बोलना चाहिए यही मजेदार है, स्ट्रगल करने में ही मजा आता है। ठीक है, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ जो स्ट्रगल का जो प्रश्न है उसमें, कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई नदी की धारा बह रही है। yes, ठीक है, नदी की धारा अपना बह रहा है। अगर तुम सोचते हो कि मेरे को स्ट्रगल नहीं करना है, या तुमको लगता है नदी सही डायरेक्शन में बह रहा है, तो तुम उसमें जाके लेट जाओ, एक लकड़ी की तरह, पत्ते की तरह, जहां जहां नदी बहेगा तुमको लेते जाएगा, तुमको कोई मतलब ऐसा डिफिकल्ट स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सोच, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा काम, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारा हित, ये लगता है तुमको कि नहीं, ये इस धारा के विपरीत है और इस धारा में मैं जाऊंगा तो मुझे तो नुकसान होगा, मेरा हित का नहीं होगा, या मैं नहीं रहूंगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुमको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जो तुमको लगता है कि करना चाहिए, सही है ना। तो तुमको उस धारा के या तो विपरीत चलना पड़ेगा, तब तुम नदी की धारा उधर बह रही है और तुम उधर से इधर आना चाहते हो, तो तुमको करना पड़ेगा। बट वही सर, घर से सपोर्ट अगर मांगोगे तो लोग बोलेंगे कि जहाँ नदी की धारा बह रही है बस उसी में तुम बह जाओ, क्योंकि सब उसमें इजी है और तुम कर सकते हो, कुछ नया करोगे तो वैसे भी कुछ। तो हमको पहला तो ही कोशिश करना चाहिए कि उस नदी की धारा में बह जाए अगर अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, लेकिन तुम स्ट्रगल तब करते हो ना जब तुम बहते हो, तुमको सूट नहीं करता, सूट नहीं करता, तभी तो तुम स्ट्रगल करते हो, अच्छा लगता है तो तुम बह जाते, तैरते रहते। लेकिन तुम्हारी जरूरत, तुम्हारा जो मंजिल है वो ऊपर की दिशा में, नदी उधर बह रही है लेकिन तुम्हारा मंजिल इधर है, तो तुमको इधर ही जाना है। उधर जाओगे तुमको कुछ ना मन में खुशी आएगी, ना काम नहीं मिलेगा, तुमको मंजिल नहीं मिलेगी, तुम्हारी मजबूरी है इधर जाना जाना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, पहले अपने अंदर स्ट्रगल करोगे। कैसा स्ट्रगल करोगे, कि तुम अपना तैरने का क्षमता इतना बढ़ा दो कि कैसा भी नदी बहे तुम तैर के ऊपर आके अपना मंजिल पा जाओ। ठीक है, या दूसरा उसके बाद तुम ये करो कि या तुम सिस्टम को ही, वो नदी का जो ढाल है उसको ही बदल पाओ, तो बदल दो कि नदी की धारा उधर से इधर बहने लगे, अपनी ताकि तुम्हारा मंजिल की तरफ जाए। तो दो काम तुमको कर सकते हैं, अब यही स्ट्रगल है, इसमें जो तुम कर सको वो अच्छा। यस सर, जैसे कि सर, जो लोग लाइफ में मतलब बार बार फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कुछ करना तो चाहते हैं बट प्रॉब्लम बहुत आती है, मतलब फेल हो जाते हैं, मतलब हमेशा से कुछ करना चाहते हैं बट उसमें फेलियर, तो सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। इसके बारे में पहले तो हमको उसको, उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे बच्चे का या कोई भी बड़े हैं जो बार बार ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं और डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ उसके लिए मैटर करता है कि हम अपनी जितनी भी कमजोरियाँ हैं, हम उन कमजोरियों पे बारीकी से नज़र डालें कि क्या गलती कर रहे हैं, कि गलती क्या कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक अपना, हर किसी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उस बेस्ट फ्रेंड को बोलें कि ऑब्जर्व करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ठीक, और जहाँ तक ये मुझे लगता है बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, और फाइंड आउट होने के बाद उसको कोशिश करें कि हम वो जो फेलियर वाला पॉइंट है उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो हम ये मान के चलें कि वो फील्ड हमारे लिए नहीं, ठीक नहीं है, मतलब चेंज कर दें डायरेक्शन, उस फील्ड को, जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं उसको चेंज, उस डायरेक्शन को हम लोग चेंज करें। क्या है कि यहीं से हम लोग को डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है कि हम जो चीज़ बार बार एक ही कोर्स में कर रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में कर रहे हैं, और वो हमें बार बार वहाँ पर असफलता मिल रही है, हम जान रहे हैं हम उसके लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी
क्या है कि जैसे जिधर समाज चल रहा है, जैसे अभी भैया ने बताया कि डायरेक्शन समाज का जिधर रहता है या फिर फ्लो जिधर रहता है, तो लोग उधर ही जाते हैं, उससे अलग जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, अपने जो टैलेंट है अपने अंदर का पहचानना चाहिए, उस चीज को पहचानना है, और पहचानने के बाद अपनी जो मेहनत है या क्षमताएं हैं उसको उस दिशा में मोड़ना है जिस दिशा में हमको जाना चाहिए।